झूल रही। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो 2 साल पुराना है जो 15 नवंबर 2020 को शूट किया गया था। मेरे पुराना चैनल जो मजबूरन मुझे डिलीट करना पड़ा। पुराने चैनल का नाम अनीता हैशटैग दिल्ली से था। आगे की 3-4 वीडियो पुराने चैनल की अपलोड होंगी। देखिए रेडी हो चुके हैं और कहीं हम जा रहे हैं, हमारे बैग वगैरह सब लग गए हैं। देखिए तब की वीडियो में मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी और यहाँ पर मैंने पैकिंग कर ली है। अपने गांव जा रही हूँ पंजाब, अपने मायके। सब लोग मुझे लेने आए हैं और टाइम देखिए रात के 3 बज रहे हैं और मैंने पैकिंग वगैरह सब कर ली है। बाकी लोग सब सो रहे हैं, सिर्फ जतिन और मैं जग रहे हैं। और ये सर्दी में शूट किया गया था वीडियो। और यहाँ पर ये भाई मेरा उठ चुका है, लेकिन थोड़ी उसे झपकी आ गई तो वो थोड़ा लेट गया है। और मम्मी और बहन, और देखिए यहाँ पर मैंने बैग वगैरह सब लगा के रखे हुए हैं। बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अरे बताइए जतिन, अभी नहीं बताएंगे, बाद में। हाँ ठीक है, जब पहुँचेंगे। हम सुबह का सीन दिखाएंगे आप सभी को। अभी रात का टाइम है, 3 बज रहे हैं, अभी बजे नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, फिर हम जब स्टेशन पहुंचेंगे तब बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। और अभी जाने में टाइम था क्योंकि ऑटो आने में अभी लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बना देती हूँ सबके लिए, तो थोड़ी है आँखें वगैरह खुल जाएंगी, नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर सबके लिए चाय बना रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए अभी तैयारियां चल रही हैं और हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। बैग हमारे बाहर पहुंच चुके हैं। देखिए मैंने बोला था 3:30 के आसपास चलेंगे, 3:30 का टाइम हो रहा है। परी रेडी हो गई है। परी कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज है, सरप्राइज है। फ्रेंड्स को अभी नहीं बताएंगे, हम स्टेशन जाएंगे तब बताएंगे कहाँ जा रहे हैं ना परी। हाँ, और खुशी, जतिन, मेरी सिस्टर, हेलो रीना, हाँ स्पेशल फ्रेंड मेरे लिए, मेरे को लेने आए हैं ये लोग। मैं इनके साथ जा रही हूँ। और बाहर के अभी दिखाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, अंधेरा ही दिखेगा आपको। भाई ये मेरा भाई है, ये मुझे लेने आया, डाकू लग रहा है। थोड़ा नकाब तो निकाल अपना। ये हमारे बैग लग गए हैं, अभी ऑटो रिक्शा आने वाला है। और पूरी गली सुनसान हो चुकी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब सो रहे हैं, मतलब वीराना ही है। अभी ऑटो आएगा तो हम जाने वाले हैं। लॉक लगाना है अभी। मम्मी है अभी अंदर, एक तो अंधेरा आ रहा है ना, कुछ हो ही नहीं रहा। तुम लोग तू इसी में पकड़ ले, परी को पकड़ ले, ध्यान से चढ़ गई, ध्यान से चले, ध्यान से ठीक रहते। मैंने तो छोड़ो, आओ मैं पकड़ लूँ, धीरे 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 धीरे, गिर जाओगे नहीं तो। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि लोग हमें समझना ही नहीं चाहते कि हम क्या चाहते हैं।
मतलब उन्हें हमारी कुछ भी नहीं पड़ी होती। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं कोटकपूरा स्टेशन और अब हम और बस चढ़ेंगे पंजाब। तो आ चुके हैं, बरीवाला जा रहे हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ मायके में, और मेरी मम्मी के साथ में और मेरी मम्मी साथ में है। ये रही मम्मी मेरी, ये खुशी, इसको तो आप जानते ही होंगे। ये रीना और आगे जा रहा है मेरा भाई। आगे बस तू ले आ लेगा, अब तो मैं पकड़ू बैग। रिकॉर्डिंग चल तो रही है। ये अगले दिन की वीडियो घर पहुंचने के बाद। अगर हम कुछ करना चाहें तो दुनिया हमें करने नहीं देती, हमारे विपरीत खड़ी हो जाती है हमसे लड़ने के लिए। दूसरों की तरह मैंने भी चाहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करूं, लेकिन एक व्हाट्सअप शेयर ने मेरी ज़िंदगी में उथल फुथल कर दी। और हम अगले दिन मंदिर जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। झूले को लगा दे बैठन वाले, पहले नहीं था कुछ भी, छोटे छोटे पौधा है उन्हें बने नहीं सकते। रोटी डाल लिया थी ठंडा ना, नहीं खा तो ज्यादा। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, अब मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, लेकिन मुझे अब वीडियो शूट करनी है तो करनी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे पता है लोग बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मुझे अब आगे ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना ही है। पूरे एकदम रेत ही रेत है इधर। कब आए बोलो, ऐसे करो हाय हाय। नहीं, हेलो फ्रेंडा, हेलो फ्रेंडा। ये है ना महल, उधर ही अमिष्टी दीदी चला इसको। जतिन कहाँ, जतिन ये देखिए पार्क भी है इधर। मम्मी मम्मी, ये बरीवाला का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बाबा मोडा जी की समाधि। और मैं जब भी पंजाब जाती हूँ तो यहाँ ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा रिश्ता तय हुआ था। ये पहली बार मुझे यहीं पर आए थे देखने के लिए, और वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत जाती हूँ, जब कुंवारी थी तब भी जाती थी। Thank you.
मौसी पकड़ना, इसे पकड़ो। प्रसाद रखा है अपना उधर ना, प्रसाद ले आओ सारे, उठा के प्रिंट कर लो। पन्नी नहीं है दूसरी, ये ऐसी है, एक ही मिलाई। हाँ, एक एक उनका है। अभी बजरंग बली के लिए प्रसाद लेके आए, वहाँ चढ़ाना है। राधे कृष्ण अभी चल रहे पारे। नहीं बेटा, जूते पहन के नहीं आते। अब हम जा रहे हैं पार्क में। आप देखिए पार्क, इतनी सुंदर पार्क है। ये देखो बरीवाला की बहुत सारे झूले लगे हैं। हाँ आ रही हूँ। देखो खुशी जतिन परी का झूला झूल रहे हैं। हेलो फ्रेंडा, ये रहे मम्मी, हट जाओ मम्मी, झूला झूल रहे हैं। चलो अभी एक एक झूला ये है। पूरा राउंड दिखा दे रही हूँ मैं आपको धीरे धीरे। ये मेरी मेरे से छोटी सिस्टर है, मैं अभी अपने माइक आई हूँ पंजाब। यूट्यूब तो कहूँगी। वहाँ प्रसाद लेने की लाइन लगी है। अब मैं अकेली झूला झूल रही। ये देख, मम्मी को बुला लो ना, आ जा झूला झूल लो आके। नहीं लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बचपन के दिन याद आ गए। ये देखो मजा आ रहा है झूला झूल के। अब मेरे से झूलेगा ही नहीं, वहाँ चक्कर आ जाता। हम लोग बड़ा झूलते थे सही है। पापा को बोलो, पापा मैं झूला झूल रही हूँ। बोलो बोलो कि देखो मैं झूला झूल रही हूँ, मैं पार्क में आई हूँ। तेज की झुला दो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, झुला दो मिस्टी। ओ कहा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है झूला झूल सच्ची।